और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स को ऐसी उपलब्धि मिली जिसे आप किसी चमत्कार से कम नहीं मानेंगे। डॉक्टर्स ने यहां एक हादसे में अपने हाथ खो देने वाले शख्स का हैंड ट्रांसप्लांट किया है। यह अच्छी खबर आपको दिखाते हमारे सपोर्ट में। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। इसे डॉक्टर्स का करिश्मा कहें या साइंस का चमत्कार, दिल्ली के गंगाराम में एक मरीज के दोनों कटे हुए हाथ ट्रांसप्लांट कर दिए गए, जिसकी गवाही ये दो तस्वीरें दे रही हैं। हाथों के ट्रांसप्लांट के बाद अब इस शख्स के दोनों हाथ ठीक से काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है इसके दोनों हाथों को 100% काम करने के लिए अभी कुछ और वक्त लगेगा। कहता है कि ये पेशेंट पिछले जब से इसके चोट लगी तब से हमारे संपर्क में है। अब क्या था कि ये बहुत ही गरीब इंसान है कि भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि कहीं और बाहर जाकर के ये हाथ लगवाए या किसी तरीके से वो उसका जो खर्चा है उसको बहन कर सके, तो किसी तरीके से अपनी फैमिली को चला रहा था। हमने उसको ये अश्योरेंस करी हुई थी कि भाई हम इस प्रोसेस के अंदर हैं, लाइसेंस लेंगे, पर इसमें टाइम लगता है, सारा कुछ है, और कोशिश करेंगे हम, तुम्हारा लाइसेंस हो जाएगा तो इस सारे काम को हम फ्री करेंगे। तो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि लाइसेंस भी मिला और हमें पेशेंट भी मिल गया और हमने इस सारे हॉस्पिटल को, हमारे सारे अस्पताल को, अस्पताल ने इसका सारा प्रोसीजर सारा फ्री ऑफ कॉस्ट खर्चा किया है। सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पेशे से पेंटर इस 45 साल के शख्स ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। सफलतापूर्वक हैंड ट्रांसप्लांट के बाद अब वो फिर से ब्रश थामते हुए पेंटिंग के सपनों को साकार कर सकेगा। मेरे को बहुत बढ़िया, यहाँ का डॉक्टर ने मेरे को इतना बढ़िया इलाज किया है इस हाथों का कि हमें पते भी नहीं लग रहा, और फिर इतना सुविधा हमें आगे चल के हम कुछ काम कर सकते हैं। मरीज राजकुमार परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। पिछले काफी वक्त से अस्पताल को एक डोनर की तलाश थी। डोनर मिलने और पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस चमत्कार को अंजाम दिया।